हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज वेडनेसडे है और कॉलेज में हॉलिडे थी उगादी ओकेशन की, तो आज हम थोड़ा लेट उठे हैं। उठते ही साथ ही पहले अपने बेड क्लीन करेंगे, उसके बाद अपना डेस्क जो हम मेस करते हैं, उसके बाद मुझे बहुत से काम है वो क्विक से जल्दी करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर थोड़ा सा हल्का और पतला वाला बुरका, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर गर्मी होगी तो नहीं पहन सकती मैं। फाइनली मैंने जो मेरा कॉलेज वाला बुरखा है वही निकाल लिया, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे अभी इस टाइम के लिए। तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ढूंढने के लिए उतना टाइम नहीं है अभी। जाते जाते जैद को भी साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जैद मेरे साथ या फिर उनकी मम्मा के साथ ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना वो बहुत ज़्यादा सताता है। हम दोनों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और बिना रोए के रहते हैं उन्होंने। सो यस, वी आर फाइनली आउट नाउ, क्योंकि लेट हो रही थी, जल्दी जाना था, और जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी काम ख़त्म होगा। ऑब्वियसली हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं, दीदी और जैद, क्योंकि आज चेकअप होगा। इट्स ऑलमोस्ट 12:30 ना, और अभी से धूप बहुत ज़्यादा है। सो यस, हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल और लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम आ गए यहाँ पर कैंटीन में। इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, तो थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए हम यहाँ पर समोसा, चाय और जैद के लिए लॉलीपॉप, बिस्किट, केक, ये सारी चीज़ें हम लोग खा रहे थे एज अ स्नैक, ताकि जितना टाइम हो सके स्टे कर पाए हम लोग। ये देखो इनकी मस्तियाँ चल रही हैं यहाँ पर। हाँ जैद, हाय करो, हाय, बाय। एक बजे आए थे हम लोग, 3 बज रहे अब। अब पता नहीं और कितना टाइम होने वाला है, मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हम लोग। अभी कितना टाइम होता है लेट्स। अभी 4 बजे है और ये साहब की ड्रेसिंग हो गई चेंज और शरारत तो बेकरार कर रहे हैं वे नो। नहीं चलते। 4:30 हो गए और अब जाके ये बच्चा सोया है और शरारत तो भाई पे ही साफ चल रहे हैं इनकी। गाइस, सुबह की शाम हो गई और अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। इतना ज़्यादा टाइम होता, पहली बार शायद मैं जब आई हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम हुआ, अदरवाइज़ हर टाइम पे जल्दी जल्दी हो जाता था। बट अभी तो मैं जैसे आपने नहीं देखा होगा, बट मैं उठते ही साथ ही ब्रेकफास्ट करी, देन उन लोग को शावर दी हमारे जैद मरियम को, उसके बाद मैं रेडी हुई एंड हम ऑटो बुक करके निकल गए। इट्स वॉज लाइक कुछ 12:30 हो रहे थे तब हम लोग निकले घर से। अभी जैसे मैं आपको टाइम बताई, 5:30 होने वाले हैं, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। चेकअप पे चेकअप, चेकअप पे चेकअप चलते जा रहा है एंड आई एम सो एग्जॉस्टेड, सच्ची बता रही हूँ मैं। एंड अभी देखते हैं कितना टाइम होता है, पता नहीं अभी कितना टाइम होने वाला है। तो पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है, जब हम आए थे ये सारे चीज़ फुल थे एंड अभी सब ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल हमारी बहन का चेकअप चल रहा है। ये जो आप फर्स्ट वाली, ये वाली जो स्लिपर्स देख रहे हैं, ये मेरे सिस्टर की है, स्टिल इनका चेकअप चल रहा है। इन्होंने माशाल्लाह से अभी तक सो रहे, पता नहीं अब कब उठने वाले। और ये देखो मुँह में से सलाइवा जा रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है लेकिन जूसेस, चॉकलेट्स खाना है, पीना है साहब को।
बस तो सो रहे हो और मेरे को भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। कैन यू फील मी? मैंने पूरे ब्लॉग एडिट कर लिए, अभी सिर्फ घर जाके वॉइस ओवर करूँगी। इंशाल्लाह रात में शायद मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। एंड या आई एम एग्जॉस्टेड, मुझे ना कुछ खाना दिल बोल रहा, ना कुछ पीना दिल बोल रहा। ऐसे भी नहीं हो रहा कि मैं कहीं जाऊँ, टहलू भी नहीं हो रहा कुछ। तो यहाँ पर सब कुछ है खाने के लिए, बट खाना दिल नहीं हो रहा। एंड क्या कर सकते हैं। सो 6:30 हो गए और अब जाके हम लोग घर वापस आए हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे का आपसे शेयर करेंगे। That's black coffee. I'm going for workout. दीदी खाने से थोबा है, तो बचपन से छेड़ा है इनका, इनका एड़ा नहीं उतरने वाला है बचपन से। ऐसा नहीं होना मेरे नहीं, नाम रखे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मगर जो ऐसी बॉडी में कटिंग में लगा तो एड़ा, ये बचपन का एड़ा है आपका, मतलब नहीं आप बचपन के वैसी छाया, आप नहीं होते दुबले, आप अच्छा नहीं हो सकते। अभी मेरे ऐसा भी नहीं हो सकता, इतने हो गए दिखा। कब भर के ब्लैक कॉफी पी रहे, फिर उसके बाद वो हलवा खा रहे। ये हलवा माय फेवरेट, हलवा चल गया जब से, हलवा खा लिया। हां ये आधा डब्बा खत्म हो गया, थर्मास खत्म कर दिए हम पी के ढावे के साथ। ढावा ये खा लिए, नहीं होते दुबले। सर तुम्हारे हस्ते लाए, हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे, बता हट जाओ। डब्बा लेके हटो वाली मैं ब्लॉग ले रहा हूं, डब्बे का खा रहा हूं मैं। हां अच्छा है, कॉफी के साथ 120 गरम महंगा हो गया, पहले भी महंगा था। जियो चमचा जी 500 रुपए, हाँ 500 बनाते हैं, लाया तो दुबई से लाया। मगर हाजरा वो हलवे कैसा है, ये फ्रूट ये जिसको बोले ना उन्हें खुद जाके ले लिया। देखो इसमें ना पूरे फ्रूटों का मजा आ रहा है और जाफरान का। जैसे आपने देखा पूरा दिन हॉस्पिटल में ही गुजर गया, घर आए तक 6:30-7 बज गए थे, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छी चीज़ मिली है, वो थी अब्बू की तरफ से हलावा, जो हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब्बू अपने फ्रेंड के थ्रू हम लोग के लिए भेजे थे, थैंक यू सो मच अब्बू। और एज़ यू नो कि हम लोग सिबलिंग ज़्यादा है तो हम लोग का सबका फेवरेट है, तो पूरा डब्बा एक एक दिन में ख़त्म हो गया था। प्लस घर पर चल रही थी किचन की डीप क्लीनिंग, जो ऑब्वियसली भाभी कर रहे थे, पूरे स्पाइसेस के बॉक्सेस, बर्तन, सब कुछ, स्टैंड वगैरह, पूरी डीप क्लीनिंग चल रही थी किचन में। और मैं नहीं कर पाई शूट, थोड़ा बहुत आप सबसे शेयर करना था तो एक ग्लैंस ले ली। ऑब्वियसली हमारा किचन थोड़ा सा छोटा है तो सारे बर्तन बाहर निकाल के ही क्लीनिंग करना पड़ता है। प्लस मैं चले गई थी ऊपर हॉल में, हॉल की क्लीनिंग करने के लिए। हॉल की क्लीनिंग इसकी पूरी आप देख सकते हो, ये दिख रहे हैं, इसको सर्फ से धोना पड़ेगा। Thank you.
हम ये भी वॉश करेंगे पानी से, सिर्फ ये सारा कुछ भी हम क्लीन करेंगे वाटर से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ साफ़ हो चुका है, वॉश हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ अब मैं वॉश करूँगी पहले, क्योंकि उस पर डस्ट है ना, तो ये क्लीन करेंगे और जो चीज़ें यहाँ नहीं रहने की वो हटा देंगे, उसके बाद वापस जमा देंगे। अपने साथ लेकर आई हूँ वाइपर, पहले वाइप कर लेंगे फिर हम उसके बाद वॉश करेंगे वो। दूसरी चीज़ जो टूटी है वो ये मेरा ये स्टैंड है, परसों आप लोग को दिखाई थी कि इसकी मुंडी टूटी हुई है एंड इसका स्क्रू मेरे पास है बट मैं जुड़ा नहीं रही थी, उसी टाइम पे ये टूट गया। सी उसी टाइम पे टूटा है ये। अभी मैं फेविक्विक मंगाई हूँ ताकि ये भी जुड़ा दूँ एंड मैं अपना स्टैंड दोबारा से यूज़ कर पाऊँ। ओह माय गॉड, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।